सो वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। तो पिछले पार्ट में हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा, तो आज करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले एक बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैंने कुछ कल इंट्रोडक्शन की वीडियो में कुछ डिजिट्स बताए थे कि अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर के पीछे वो डिजिट होंगे तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अगर वो डिजिट नहीं होंगे, उनके अलावा कोई दूसरे डिजिट होंगे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बताया था। ठीक है, तो वो नंबर ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक बार मैंने कुछ इस तरीके का तरीका बताया था उन नंबरों को पता करने का कि हमको क्या करना है, 10 तक स्क्वायर लिख लेने हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो लिख दो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, है ना। ठीक है, तो देखो या तो 1 हो या 4 हो या 6 हो या 5 हो हमारे पास, ठीक है, 5, 6, या तो 9 हो, ठीक है, या तो 00 हो। अगर किन्हीं नंबरों के पीछे ये नंबर तुमको दिख जाए तो समझ लो कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर देखो इनके पास क्या क्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, है ना, 2, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है और 1 0। अगर किसी नंबर के पीछे ये नंबर दिख जाए, किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8, 0, यानी कि ये नंबर दिख जाए, तो वो नंबर समझ लेना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमको रीजन भी देना है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 7 है, ठीक है, लास्ट डिजिट देखते रहो, 7 है, 3 है, 8 है ना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 0 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो लास्ट 2 है, यहाँ पे भी 3 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो जल्दी से, परफेक्ट स्क्वायर होगा ये जो ये नंबर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये नंबर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बताओ 7 है यहाँ पे, है ना, और लास्ट डिजिट में इसके भी 7 है, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे नॉट लिख दो, ठीक है। अब 3 को देखो, लास्ट डिजिट 3 किस में आता है बताओ, 3 नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे भी नॉट लिख दो, ठीक है। अब देखो 8 देखो, 8 कहाँ पर है, 8 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 8 भी लिख दो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। 2 देखो परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है नॉट परफेक्ट में, यानी कि नॉट में आ रहा है, तो 2 के लिए भी नॉट लिख दो, है ना। चलो यहाँ पे देखो 0 0 भी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 0 का पेयर है, और यहाँ देखो 3 0 है, इन दोनों का तो ठीक है भाई पेयर बन गया, ये 0 अकेला रह गया, है ना, यानी कि ये भी नॉट है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला था फॉलोइंग नंबर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो ये नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं है, है ना, हमको तो पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इन्होंने क्वेश्चन में भी बता दिया, लेकिन मैं सिर्फ तुमको ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं है, है ना, हम समझते जा रहे हैं कि ये नंबर क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। चलो 2 देखो परफेक्ट स्क्वायर में या नॉट परफेक्ट स्क्वायर में, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है भाई 2 नॉट परफेक्ट स्क्वायर में, यहाँ पे भी देखो 2 0 का पेयर बन गया, ये 0 अकेला रह गया बेचारा, तो यानी कि ये भी नॉट है, है ना, ठीक है। यहाँ पे 1 0 रह गया, यानी कि ये भी नॉट है, तो यानी कि हमको पता चल गया यूनिट डिजिट देख के कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, है ना। और देखो रीजन भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रीजन, अगर तुमको मान लो रीजन भी लिखना है तो मैंने देखो यहाँ पे भी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर किसी भी नंबर के पीछे ये नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और नहीं होंगे तो नहीं होगा। और 0 का चक्कर क्या है, देखो 0 का चक्कर क्या है, 0 का चक्कर बहुत बड़ा है कि अगर देखो यहाँ पे 3, 6, 5, 7, और अगर 2 0 है ना, दोनों का पेयर बन रहा है, यानी कि दोनों के पास अपना अपना साथी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मान लो कि यही नंबर है हमारे पास और यहाँ पे 3 0 है, तो 2 को तो साथी मिल गए अपने, एक बेचारा क्या है अकेला रह गया, यानी कि अकेला रह गया, तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 0 का चक्कर बस इतना सही है, छोटा सा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम एक बारी, देखो पहला का नंबर क्या था हमारे पास,
1057। तो पहला क्वेश्चन था हमारे, नंबर था हमारे पास 1057। हमको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है इसका, 7 है, ठीक है। तो गिव रीजन भी देना है, तो यहाँ पे लिख दो यूनिट डिजिट ऑफ 7, यूनिट डिजिट ऑफ 1057 इज 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट, ठीक है। हमने बता दिया कि भाई जो ये नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे क्या है, 2, 3, 4, 5, 3। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 3। अब बताओ यही लिखना है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ कौन सा नंबर है यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 3 इज क्या है यूनिट डिजिट इसका, 3 है, है ना, 3 है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस ये इतना से लिख दो। और अगला क्वेश्चन देखो थर्ड में, थर्ड में क्या है हमारे पास, 7928। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 7928। तो यहाँ पे भी लिख दो कि यूनिट डिजिट ऑफ 7928 इज 8 है ना, तो 8 लिख दो, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना सा काम करना है तुमको, सिंपल सा। वैसे ही अगले पार्ट में देखो, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, अगले पार्ट देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में नंबर क्या है हमारे पास, 3 बारी 6, 2 है, है ना, यानी 6 बारी 2 है, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो यूनिट, यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना से लिखना है फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, फिफ्थ पार्ट में 64000, 64000। अब देखो हमको पता है कि यूनिट डिजिट तो जीरो है, है ना, यूनिट डिजिट तो इस नंबर का क्या है, जीरो हैगा, लेकिन ये पेयर में नहीं है, है ना, यूनिट डिजिट इज जीरो बट नॉट इन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज जीरो बट नॉट इन पेयर्स, पेयर्स में नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का तो साथ ही बन गया, लेकिन ये बेचारा क्या है, अकेला है, है ना, तो हमने पता है कि हमको जो अकेला रह जाएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ, सिक्स्थ पे, सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 89722, 89722। तो हमको पता है 2 है, तो यहाँ पे लिख दो यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बस अगले पे चलो, अगला क्या है हमारे पास देखो, अगला हमारे पास 2, 2, 2, 000, है ना, ठीक है, 2, 2, 2, 000। तो यहाँ पर भी देखो इन दोनों का तो पेयर बन गया, ये बेचारा अकेला रह गया, तो यहाँ पे लिख दो कि यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 0 बट नॉट इन पेयर्स, यानी कि पेयर्स में नहीं है, है ना। चलो अगला, चलो अगला क्या है, अगला है हमारे पास 5050, 50, 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
हो गई कि यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज जीरो बट नॉट इन पेयर्स। बस सिंपल सा काम है, ठीक है। जो मैंने नंबर पहले लिखवाए थे तुमको, देखो यहां पर नंबर मैंने लिखवा दिए थे, है ना। ये जो नंबर मैंने लिखवाए थे, अगर ये नंबर किसी नंबर के पीछे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के पीछे मिल जाए तो यानी कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में बस हमको इतना सही करना था। उन्होंने पहले ही बोला था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस हमको रीजन देना था कि क्यों नहीं है। तो हमने यूनिट डिजिट देख के बता दिया कि भाई उन नंबरों के पीछे ये नंबर हैंगे इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।